दोस्तों आपका स्वागत है पूरज बेटे द वे टू द सक्सेस में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 13 साउंड को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे साउंड जो बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आवाज की। यहाँ पे इस चैप्टर में आप तीन चीजों को पढ़ेंगे। एक तो होगा जो साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि मैं आज कह रहा हूं, आप यहाँ पे ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो एक होगा जो प्रोड्यूस करेगा, जैसे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं साउंड, आप उसको सुन पा रहे हैं, आप होंगे रिसीवर। और एक मीडियम होगा जिसके थ्रू आप सुनेंगे, वो है यहां पर हमारे केस में क्या है, वो यूट्यूब है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये हमसे रिलेटेड है, तो इसको देखिएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा भी आएगा। यहां पे देखिए, हम अगर साउंड की बात करें तो बहुत तरह के साउंड होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत मेलोडियस साउंड देगा, ये बहुत ही सूदिंग होगा, बहुत प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा। और एक साउंड होगा जो कि हमको इरिटेट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वो नॉइस कहेंगे, वो हमको इरिटेट करेगा। अब इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप यहाँ पे हमसे बने रहें और देखिए इस चैप्टर को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर साउंड। अगर हम यहाँ पे साउंड की बात करें तो साउंड से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे साउंड जैसे कि मैं कह रहा हूं आवाज होती है, ये अलग अलग इसके सोर्सेज होते हैं। अगर हम सोर्सेज की बात करें साउंड की, तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज होंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, और ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप अभी इसको देखिएगा, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे साउंड जो ह्यूमन प्रोड्यूस कर रहा है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और एनिमल साउंड के भी बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इंस्ट्रूमेंट्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आखिर कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं प्रोड्यूसर के बारे में, जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो सोर्स है, हम इनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हारमोनियम की। तो यहाँ पे आप देखिए, पिक्चर में आप देख सकते हैं हारमोनियम आखिर कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो की है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। जब आप इसको क्या करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे साउंड सुन पाएंगे। और साथ ही साथ दूसरे हाथ से जब यहाँ पे ये आपका दरवाजा टाइप का होगा, इसमें क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगा, एयर कॉलम होगा। आप इसको जब चलाएंगे तब आप देख पाएंगे कि ये एयर कॉलम चेंज होगा और आपको ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है। यहाँ पे ये वाइब्रेट करेगा, एयर जब वाइब्रेट करेगा तो वो क्या करेगा, वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। और यही साउंड फिर हम क्या करेंगे, हमारे कान तक ये आएगा, ये साउंड हमको फिर सुनाई देगा और हम कहेंगे ये साउंड कैसा है, ये बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये बहुत ही मेलोडियस साउंड है जो हम सुन पाते हैं। यहाँ पे हमारा कान जो होगा उसमें कई मैकेनिज्म्स है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट्स को पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एयर कॉलम की बात हो रही है। अब यहाँ पे हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, वो है सितार। यहाँ पे सितार की अगर हम बात करें, हारमोनियम में हम देख रहे थे एयर कॉलम वाइब्रेट कर रहा था, और सितार में क्या होगा, सितार में हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग्स होंगी। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग्स होगा, जब हम इसको खींचेंगे, प्लग करेंगे, तो हमको साउंड सुनाई देगा, जैसे पहले वाइब्रेशन हो रहा था, यहाँ पे स्ट्रिंग्स का वाइब्रेशन होगा, यहाँ पे हम देख रहे थे एयर कॉलम का वाइब्रेशन हो रहा था। वैसे ही अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तबले की, यहाँ पे तबला में क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में चमड़ा लगा होता है, ये एनिमल का चमड़ा होता है, यहाँ पे हम धागे से या हम क्या करते हैं, ये भी चमड़ा ही होता है, जिससे हम गिट्टी को यहाँ पे फंसाते हैं, और इसको गिट्टी को जब आप नीचे करेंगे तो ये टाइट होगा। ये जो गिट्टी होती है ये लकड़ी की होती है, हम इससे खींचते हैं और ये मेम्ब्रेन टाइट होता है, और इससे बहुत तरह के साउंड निकलते हैं। और इन दोनों के हेल्प से दो यहाँ पे तबला में क्या होता है, ये पेयर में होता है, ये लेफ्ट और राइट में रखा जाता है,
इसकी हद से जब आप यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे अलग अलग फॉर्म से, तो आप सुनेंगे अलग अलग तरह के साउंड्स जो कि बहुत मेलोडियस होते हैं। ये सभी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सुनने को मिलता है, आप ये सुन सकते हैं इन सबको क्लासिकल म्यूजिक में। और एक है जहां पे हम देखेंगे फ्लूट, बांसुरी। बांसुरी क्या होगा, यहां पर भी आप हवा मुंह से जैसे ही आप अंदर की तरफ छोड़ेंगे इसमें, और यहाँ पे ये जो एयर गैप्स हैं इन पे आप जब उंगली रखेंगे बहुत अच्छे अच्छे साउंड आपको सुनाई देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे एयर कॉलम है और यहाँ पे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन यहाँ पे वर्क कर रहा है साउंड प्रोड्यूस करने में। और सब क्या हो रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन क्या कर रहा है। यहाँ पे मेम्ब्रेन में आप देखेंगे यहाँ पे मेम्ब्रेन जो चमड़ा है यहाँ पर भी वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, आप ये चीज याद रखेंगे, वाइब्रेशन होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। ये आप देखेंगे जब वाइब्रेट करता है कोई चीज तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। और साउंड हम कहाँ पे सुन सकते हैं, हम कभी हमारे घर के सामने कोई आता है, दरवाजा नॉक करता है या घंटी बजाता है, तो हम साउंड वहां पे सुन सकते हैं। खाली म्यूजिकल साउंड नहीं होता है, हम अपने डे टू डे लाइफ में भी साउंड का हम इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है हम उसको ध्यान ना देते हो, या अगर ध्यान भी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से हम जो साउंड है हम डे टू डे लाइफ को कंपेयर करते जाएंगे और ये चैप्टर बहुत तेजी से खत्म होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। और अगर हम साउंड की यहाँ पे बात करें तो आखिर ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। यहाँ पर हमने बताया कि साउंड में क्या मेजर प्ले कर रहा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा कोई भी चीज होगी उसमें जब क्या हो वाइब्रेशन होगा तभी ये क्या आप देख पाएंगे, आप साउंड सुन पाएंगे। तो ये वाइब्रेशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये वाइब्रेट क्या होता है। तो ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक बच्चा है, इसने बर्तन को एक रस्सी से टांग लिया है यहाँ पर, और ये एक लकड़ी से इस पे मार रहा है, और देखिएगा कुछ देर के बाद कि यहाँ पर इस बर्तन में कंपन आपको देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। या तो अगर तब भी वो नहीं समझ पाए, वो छोटा है नहीं समझ पा रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको अपने हाथों में होल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा और इसको बहुत तेज मारेगा लकड़ी से, तो इसके हाथ में क्या होगा, झुनझुनाहट सी उसको लगेगी हाथ में, तो उसको समझ में आएगा कि ये जब वाइब्रेट हो रहा है तब क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। टू एंड फ्रो मूवमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट हमारा ऑसिलेशन में होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ये क्लॉक में देख चुके थे पहले। अब दूसरा हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स ले रहे हैं, अपना जो हम इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है या हम अपना पेंसिल बॉक्स ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, चारों तरफ से रबड़ को बांध दिया है। मान लीजिए ये हमारा पेंसिल बॉक्स है, यहां पर हमने चारों तरफ रबड़ बैंड से इसको बांध दिया और हमने यहाँ पे हाथ से इसको खींचा। इसको जब आप ये खींचेंगे अपनी तरफ तो क्या होगा, ये थोड़ा सा उठेगा और ये फिर जब आप छोड़ेंगे तो ये फिर वापस आएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो रबड़ है ये क्या होगा, इसमें इसमें आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या था, ये ट्रू एंड फ्रो था, ये आपको घड़ी की तरह दिखेगा, जैसे आप घंटा घर में देखते हैं यहाँ पे बॉल बंधा होता है और ये फ्लो करता है, मूव करता है, ऐसे ही ये बर्तन यहाँ पे क्या हो रहा था, मूव कर रहा था। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब रबड़ बैंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है ये अप डाउन मूवमेंट, यहाँ पे हमको अप और डाउन मूवमेंट हमको एक साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम खींच रहे थे और फिर वही वहां पे डाउन हो रहा था रबड़, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे अप डाउन मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा था। एक समय हमने इसको खींचा फिर ये वापस अपने पास आ गया ओरिजिनल पोजीशन पे और ये वाइब्रेट करता रहा, कुछ देर के बाद आएगा, तुरंत नहीं आएगा। ये जो चीज आप देख पा रहे हैं ये वाइब्रेशन क्या कर रहा है, साउंड को हेल्प कर रहा है प्रोड्यूस करने।
इसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे ये जो बर्तन वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमने क्या किया, एक बर्तन लिया है, उसमें हमने पानी को भर दिया। ये हमने बर्तन ले लिया, समझिए ये प्लेट है ये वाला, इसमें हमने पानी रख लिया है, ये व्हाइट कलर का समझ लीजिए ये पानी है। जब इसमें आप डंडे से मारेंगे, जब यहाँ पे ये डंडा मारा जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे इस पानी में आप देखेंगे कुछ वेव फॉर्म होगा, कुछ मूवमेंट सा नजर आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशन आपको देखने को साफ साफ मिलेगा। यहाँ पे ये बर्तन जो है वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ पे वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमको क्लियर हो गया कि ये क्या चीज है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसा मैं यहाँ पे बॉक्स का एग्जाम्पल लिया था मैंने, तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर दूं मैं, एक टर्म, यहाँ पे रबड़ बैंड हमने लिया था, ये जितना खींचेगा, ये जितना इसमें डिस्टेंस आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, आप जब साउंड को देखेंगे तो ये वेव फॉर्म होगा। यहाँ पर वेव में क्या होता है, ऊपर में जाएगा ये आप ऊपर देखेंगे और ये डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ये क्रेस्ट और ट्रफ में होता है। तो अप होगा इसको हम कहेंगे क्रेस्ट, और नीचे जो होगा वो ये कहेंगे हम ट्रफ। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर रहा है ऊपर तक जो जा रहा है साउंड में, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसी को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर करेगा इसी को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। अभी हम इसको और अच्छे से समझेंगे और एग्जांपल से एम्पलीट्यूड का। अभी पहले हम देख लेते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट्स को और अच्छे से समझते हैं। आखिर हम क्या अपना खुद का इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे थे हारमोनियम, और तो हारमोनियम तो बनाना बहुत ही टफ है, उसको हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम आसानी से इकतारा बना सकते हैं। अब ये इकतारा क्या है, आप जब भी ट्रेन में ट्रेवल करते होंगे तो आपके आसपास भिखारी आते होंगे, आपने देखा होगा कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो है हाफ, ये हाफ नारियल, सेमी सर्कल आप कह सकते हैं, यहाँ पे नारियल का हाफ ले लिया गया, या कोई भी इन्होंने प्लास्टिक का कप ले लिया, इसमें ऊपर से इन्होंने रबड़ लगा दिया या कोई क्लॉथ लगा दिया या प्लास्टिक लगा दिया, और उसके ऊपर से फिर इन्होंने क्या किया, इसमें से डंडे को इन्होंने पास किया और यहाँ पे धागे से इसको बांध दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग को इससे बांध दिया, और अलग से एक लकड़ी का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया। यहाँ पे ये जो होगा ये रस्सी होगी, इसको जब इस पे स्ट्राइक करेंगे, ये ऐसे करके स्ट्राइक किया जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन के बाद आप समझ पाएंगे क्या होगा, आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, वाइब्रेशन के बाद आपको साउंड सुनने को मिलेगा, जब ये वाइब्रेट करेगा स्ट्रिंग और हमको साउंड सुनने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये चीज क्लियर कर चुके हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं इकतारा। अब यहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आपको बता रहा है इस टेबल में कि आप इसको फिल करें, आप इसको कंप्लीट करें। जैसे हम सितार के बारे में बात कर रहे थे, वैसे ही वीणा होता है, वीणा में भी स्ट्रिंग होता है, हम उसको स्ट्रेस करते हैं तो आवाज आती है। तबला में मैंने आपको बता दिया मेम्ब्रेन होता है, ये चमड़ा होता है एनिमल का। फ्लूइड में आपको बताया कि एयर कॉलम, आप जब हवा फूंकते हैं तो उससे तरह तरह की आवाजें आती हैं। ऐसे ही मजीरा होता है, देखिए यहाँ पे मजीरा, या हम कैसे घट्टम या नोट, जो मटपॉट होता है, और है करताल। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको आप एक ना एक बार देखे होंगे, और नहीं देखा है तो कुछ मैं देखिए यहाँ पे जो आपके बुक में दे रखा है उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं मजीरा के बारे में आपको समझा रहा हूँ। ये क्या है, ये मेटल का होता है, यहाँ पे देखिए गैप होगा इसके बीच में कि एयर स्पेस रहे, और ये जब एक दूसरे से बैंग किए जाएंगे, एक दूसरे से जब टकराए जाएंगे तो इससे म्यूजिक आएगी, और इसका इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा
पूजा करते समय जब भी आप भगवान को याद करते होंगे, माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा को या शिव को, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल जरूर करते होंगे। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर है वो है घटम। ये घटम जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये एक तरीके से आप कह सकते हैं मटका है। ये यहाँ पे आप देखेंगे मिट्टी का है, यहाँ पर एयर होता है इसके अंदर और जब इस पे आप हाथ टकराएंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी सुरीली आवाज आपको सुनाई देगी। और ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये भी आप समझिए, ये हमारा क्लासिकल म्यूजिक में आपको ये देखने को मिलेगा। और स्पेशली यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो घरेलू इंस्ट्रूमेंट्स है जो हम आसानी से बना सकते हैं, उनमें से एक है जल तरंग। जल तरंग इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जानते हैं वाटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जल। और जब इन जल की मदद से, इस पानी की मदद से जब क्या हो, आपको बहुत सुरीली आवाज सुनाई दे, वो क्या कहलाएगा, वो जल तरंग कहलाएगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जल तरंग कहलाएगा, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, ग्लास ले लिया है और जो ये वाटर लेवल है हम इसको सबसे पहले में हमने क्या किया, छोटा हमने थोड़ा सा पानी भरा, उसके बाद हमने ज्यादा पानी भर दिया, उसके बाद हमने और ज्यादा भरा, हम लेवल यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लेवल जो होगा वाटर का वो क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जल तरंग में ये खासियत होती है कि आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा तो आप यहाँ पे बहुत सुरीली आवाज यहाँ पे सुन पाएंगे, या आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि आप घर में भी बहुत आसानी से किसी इंस्ट्रूमेंट को तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, आपको ताल की बहुत ज्यादा पहचान होनी चाहिए, नहीं तो आप म्यूजिक नहीं बजा पाएंगे। वहां पे आप क्या कर देंगे, आप नॉइस प्रोड्यूस कर देंगे, आप बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करेंगे, आपके आसपास वाले भी आपसे परेशान हो सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी बात करें, देखिए यहाँ पे अभी मैं बता रहा था सितार में तबला में यहाँ पे क्या हो रहा था, हम स्ट्रिंग को खींच रहे थे और आवाज आ रही थी, तबला में हम स्ट्राइक कर रहे थे और आवाज आ रही थी। लेकिन अगर हम एक्चुअली में अगर इस पे ध्यान दें, अगर आप सितार पे यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ तार नहीं हिल रहा है, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रूमेंट हिलता है, वहां पे पूरा इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है, तब ये साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही आप जब तबले पे स्ट्राइक करेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। ऐसे ही एक और इंस्ट्रूमेंट है, ये है मृदंग। इसको क्या कहेंगे, मृदंग। इसको आप प्रोनाउंस अच्छे से करिएगा, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है मृदंग। अब आप कह सकते हैं मृदंग कैसा होगा देखने में, तो ये ढोलक की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा ये लंबा होता है, ये थोड़ा सा लंबा होगा और यहां पर आप देखेंगे ये ऐसे कुछ इस तरह का आपको मृदंग देखने को मिलता है। और यहां पर यहां पे आप देखेंगे ये रस्सी से बंधा होता है, आप टाइट करेंगे तो ये बजता है, यहाँ पे बहुत सुरीली आवाज आती है अगर आप एक ताल में इसको बजाते हैं। यहाँ पे भी जब मेम्ब्रेन वाइब्रेट करेगा, यहाँ पे भी जब आप स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे बहुत अच्छी आवाज आती है, ये बिल्कुल ढोलक के तरह ही होता है। आपके घर में भी ढोलक होगा, आप देखिएगा ये, आप यहाँ पर भी देखेंगे मृदंग को जब आप बजाएंगे तो ये पूरा बॉडी वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है, अब हम थोड़ा सा ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन आखिर ये जो साउंड हम सुन पा रहे हैं, जैसे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये साउंड कैसे ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब ये प्रोड्यूस कैसे करेगा, तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत होगी, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा थ्रोट, हमारा गला। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप फोकस करिए थोड़ा सा इस डायग्राम में, यहाँ पे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप एडोलेसेंस से आप एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं, जब आप एडल्ट होने लगते हैं, यहाँ पे स्पेशली मैं बॉयज की बात कर रहा हूं,
बॉयज जब एडल्ट होने लगते हैं तो इनका जो थ्रोट होगा उसमें क्या होगा, उभार आने लगता है, ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। और अगर फीमेल की बात करें, गर्ल्स की अगर हम बात करें, तो इतना ज्यादा इनके गले में उभार देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हल्का सा उनमें भी उभार देखते हैं, इस तरह का कुछ उभार आपको नजर आता है, लेकिन बॉयज में तो एकदम क्लियर नजर आता है, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस आवाज प्रोड्यूस होने में, यहाँ पर है वॉइस बॉक्स, आपके गले में होता है वॉइस बॉक्स। जैसे हम डीजे सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, डेक चाहिए होता है और बॉक्स चाहिए होता है साउंड सुनने के लिए, ऐसे ही हमको साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमको चाहिए होता है वॉइस बॉक्स। और ये अगर हम इसको बायोलॉजिकल टर्म बताएं तो इसको हम कहते हैं लैरिंग्स, इसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ये लैरिंग्स क्या है, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो गला है यहाँ पर आप देखेंगे दो कॉर्ड्स, यहाँ पे दो कॉर्ड होंगे, इसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स क्यों कह रहे हैं, ये जो धागे हैं, धागे की तरह है, कॉर्ड है, हम इसको वोकल कॉर्ड क्यों कह रहे हैं, यहां से क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा वॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, हम यहां से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, वॉइस बॉक्स या वोकल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे मसल्स होंगे, ये मसल्स जो होते हैं किस चीज में हेल्प करते हैं, ये जो मसल्स होंगे आपके ये स्ट्रिंग को टाइट करेंगे या इसको लूज करेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है मसल्स का, इसको टाइट करेंगे या इसको लूज करेंगे, इनका यही मेन फंक्शन होता है। ये क्या होंगे, ये मसल्स होंगे, ठीक है, ये आप एकदम याद रखिएगा, ये मसल्स होंगे, दो कपल होंगे, ये जब टाइट होंगे तो आवाज धीमे आएगी, ये जब ढीले होंगे तो आवाज तेज आएगी। और ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनमें आप देखेंगे कि इसके नीचे क्या होगा, विंड पाइप होगा, यहां पर आप देखेंगे विंड पाइप, ये होगा विंड पाइप। और ये विंड पाइप क्यों हम इसको विंड पाइप कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हवा आ रही है और हवा आएगी यहाँ पर लंग्स से, आप जानते हैं लंग्स हमारा सांस लेने में बहुत हेल्प करते हैं, हमारा साउंड प्रोड्यूस करने में भी लंग्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्लियर। यहाँ पे ये आवाज, ये हवा हमको देगा, ये एयर इससे पास करेगा और जब ये कॉर्ड्स के बीच से पास होगा तो आवाज हमारी सुनाई हमको देगी। अब ये जो कॉर्ड्स हैं ये जब टाइट होंगे, जब ये ढीले होंगे, तो इससे हमारी क्वालिटी डिसाइड होगी आवाज की, ये हमारी क्वालिटी कैसी है हमको इसी से पता चलेगा, ये मसल्स हमारे क्वालिटी को बताएंगे कि किस तरह की आवाज है, सुरीली आवाज है, बेसुरी आवाज है, ये हमको बताएगा। यहां पर अगर हम इन कॉर्ड्स के बारे में समझें तो कॉर्ड्स को हम कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बच्ची है, इसने क्या किया, इसने यहाँ पर रबड़ स्ट्रिप ली, यहाँ पे ये देखिए रबड़ स्ट्रिप ली और इसको ये दो स्ट्रिप्स हैं, एक कपल में है, दो हैं, यहाँ पे इसने टाइटली पकड़ा और उसपे फूका, कस के फूका, तो यहाँ पे कुछ आवाज आएगी, जब उसको ढीला करेगा, जैसे ही वो ढीला करेगी उसको, तो आवाज क्या होगी, लो हो जाएगी, आवाज लो होगी, थोड़ा क्या होगा, भारी आवाज हो जाएगी। और आवाज जैसे कि आप यहां पे मेल का समझ सकते हैं, जो मेन होते हैं, मेल की बात अगर हम करें तो इनका जो कॉर्ड होगा ये कितना होगा, ये 20 mm का होगा, 20 mm लॉन्ग होता है, तो जब कभी आदमी बोलता है तो वो काफी लाउड आवाज होती है, भारी होती है, उनके वॉइस में काफी बेस होता है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो इनका जो कॉर्ड होगा वो 15 mm का होता है, तो ये क्या होगा, 5 mm कम होता है, और इनका कम होने के कारण वाइब्रेशन ज्यादा तेज होगा, वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशन क्योंकि टाइम ले सकता है, लंबा है, यहाँ पे शॉर्ट है, और ये वाइब्रेशन काफी तेज लेगा, कम समय में काफी तेज लेगा, तो
तो जो पिच होगी फीमेल की, जो पिच होती है ये काफी हाई होती है, यहाँ पे पिच जो होगी ये काफी हाई होगी, श्रिल वॉइस होगी। ये आपको क्लियर हो रहा है, ये काफी इनकी श्रिल वॉइस होगी, इनके वॉइस में काफी श्रिलनेस होगा और यहां पे इसमें काफी लाउडनेस होगा मेल में। ये चीज आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए। और जब हम चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड का जो ये कॉर्ड होगा ये बहुत ही शॉर्ट होता है, तो आप देखते हैं बच्चों की आवाज बहुत ही सुरीली होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, जब बच्चे बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आवाज देखिए किसी की भी अच्छी हो सकती है और किसी की भी बेसुरी हो सकती है। हो सकता है आपको वो आवाज बहुत बेसुरी लगती हो लेकिन वहीं पे दूसरी को आवाज बहुत अच्छी लग सकती है। तो क्वालिटी जो हम कहते हैं आवाज की वो हमारे रेफरेंस में डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। हो सकता है आपको किसी की आवाज बहुत ही इरिटेट करती हो और दूसरी आदमी को वही आवाज बहुत सुरीली लगती है। अब ये जो कॉर्ड है ये फंक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो आपने देख लिया कि पिच हमारा कैसे फंक्शन कर रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस लड़के ने क्या किया, दूसरे एग्जाम्पल में पेपर को काट लिया है और यहाँ पे बीच में गैप कर दिया, जैसे हम यहाँ पर कॉर्ड में देख रहे थे, यहाँ पर गैप था और मसल्स था, यहाँ पर आप ये चीज देख पा रहे थे और हवा विंड पाइप से बाहर की तरफ आ रही थी, ये हमारा एयर आ रहा है। तो यहाँ पे जितना तेज वो फूकेगा उतनी तेज आवाज आएगी क्योंकि वाइब्रेशन उतना तेज होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो साउंड होता है उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। अब ये मीडियम क्या होता है, कोई भी चीज करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। जैसे हम यहाँ पे आवाज, जैसे आप मेरी सुन पा रहे हैं तो आप कैसे सुन पा रहे हैं, हम यहाँ पे मीडियम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे मीडियम YouTube का यूज कर रहे हैं, हम YouTube की मदद से आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। ऐसे ही अगर फिजिक्स में बात करें तो मीडियम हम तीन तरह का देख सकते हैं, एक है सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां पे सॉलिड फॉर्म में आवाज पास होती है, यहां पे लिक्विड फॉर्म में आप देखेंगे तो आवाज पास होती है और गैसियस फॉर्म में भी आवाज पास होती है, लेकिन आप ध्यान देंगे वैक्यूम में आवाज पास नहीं होगी। वैक्यूम क्या होता है हम उसको भी अभी देखते हैं। देखिए यहां पे एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, यहां पे हमने लिक्विड का एग्जांपल लिया है, यहां पे हमने लिक्विड में वाटर लिया है, मीडियम हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। यहां पे हम बाहर में जब मोबाइल को रखे हुए थे तो आवाज बहुत अच्छे से आ रही थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको पानी में रखा तो आवाज यहां पे थोड़ी सी कम हो गई, यहां पे क्या हो गई, ये लो हो गई। और यहां पे सॉलिड में आप देखेंगे लो हो जाएगी, यहां पर लिक्विड में आप देखेंगे लो हो जाएगी और गैसियस में हाई रहती है। ये चीज अभी आप देखेंगे क्योंकि एयर में हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, एयर में मेरी आवाज गूंज रही है, रूम में गूंज रही है, वो आप सुन पा रहे हैं माइक के थ्रू। तो ऐसे ही अगर आप लिक्विड में यहां पर रखते हैं तो लिक्विड में क्या होगा, यहां पर आप देखेंगे कि मोबाइल की आवाज यहां पर लो हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप यहां पर क्या करें, बोल रहे हैं और आपने ग्लास को लगा लिया अपने मुंह में या मोबाइल फोन की आवाज आ रही है, आपने मुंह से ढक लिया है, तब भी आवाज यहाँ पर लो हो जाएगी और जैसे ही इस मोबाइल को आप बाहर करेंगे आवाज तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साउंड के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे साउंड के लिए मीडियम बहुत जरूरी है, यहाँ मीडियम जरूरी है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर यहाँ पे देखिए हमने ग्लास लिया था, ग्लास में हमने मोबाइल को रखा था, मोबाइल को जब हमने रखा तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे मान लीजिए हाथ लगा दिया और किसी तरीके से अगर हम यहाँ का एयर बाहर कर सकते या हमने एयर को खींच लिया किसी इंस्ट्रूमेंट से और हमने इसको ढक दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो स्पेस होगा जहां पे एयर नहीं होता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, ना एयर हो, ना लिक्विड हो, ना सॉलिड हो,
तो वहां पे वो क्या होगा, वो एरिया वैक्यूम कहलाता है। और यहां पे आप देखेंगे साउंड हमको सुनाई नहीं देता है, आप कोई भी आवाज सुन नहीं पाएंगे। अगर कोई जगह हो जो वैक्यूम हो, आप वैक्यूम कंटेनर में अगर आप कोई चीज रख रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, और आप उसको छोड़ दिए हैं, तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लाउडनेस है, यहाँ पे जो तेज आवाज आ रही थी मोबाइल की, वो कब कम हो जा रही है, जब आप उसको मीडियम से दूर कर दे रहे हैं। जब यहाँ पे मीडियम क्या हो, नहीं हो, या मीडियम कम हो जा रहा है, तब आपको आवाज सुनाई नहीं देगी, यहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगा हमको। ये चीज हमको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब इसको थोड़ा सा और अगर आप एक और एग्जांपल से समझे, अभी हमने लिक्विड के बारे में समझा, फिर हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है कि लड़के ने क्या किया, घंटी को पानी में रख दिया और कान लगा के वो सुन रहा है, तो उसको धीरे से आवाज वो सुनाई देगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई भी मीडियम सबसे तेज यहाँ पे आपको गैस में सुनाई देगा। यहाँ पे आप देखिए दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे दो बच्चे हैं, ये इन्होंने मेटल का स्केल लिया हुआ है, और एक कॉर्नर पे बच्चा यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे ये सुन पा रहा है, ये हियर कर पा रहा है, लेकिन ये आवाज क्या होगी, बहुत तेज नहीं आएगी, आवाज थोड़ी सी कम होगी, ओरिजिनल जो आवाज होगी उससे इसकी जो लाउडनेस होगी वो लेस होगी। यहाँ पे आप देखेंगे जो लाउडनेस है वो क्या है, यहाँ पर लेस है, जो ओरिजिनल वॉइस होगी उससे यहाँ पे लेस होगी। ये चीज आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पे मेटल की बात कर रहा है, यहाँ पे अब हम ले रहे हैं सॉलिड की बात। सॉलिड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया, पहले भी हमने देखा स्केल लिया था, वहां पे सॉलिड लिया, यहाँ पे अब हमने लकड़ी के टेबल पे फिर हमने ठोका, आवाज हमको थोड़ी सी ज्यादा सुनाई देगी लिक्विड से। तो हमारा क्या होगा, सबसे कम हमको सुनाई देगा लिक्विड में, फिर उससे ज्यादा हमको सुनाई देगा सॉलिड में, और फिर सबसे ज्यादा हमको सुनाई देगा गैस में। ये साउंड आप जो सुन पा रहे हैं इसी ऑर्डर में होता है, सबसे ज्यादा हमको गैस में सुनाई देता है, लाउडनेस यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। आपने टॉय खेला होगा जो हम टेलीफोन से वायर को कनेक्ट करते थे, टेलीफोन जो बनाते थे ग्लास का, हम प्लास्टिक के ग्लास में छेद करके, और एक कॉर्नर पे बच्चा बोलता था और यहाँ पे ये सुन पाता था, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहा है और ये यहाँ पर सुन पा रहा है, ये चीज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब ये आप जो देख पा रहे हैं, हमने अभी प्रोड्यूस के बारे में बात किया कि कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है हीट करने से, या कोई बोल रहा है तो हमको आवाज सुनाई दे रही है। हमने वोकल कॉर्ड्स के बारे में डिस्कस किया, जब वाइब्रेशन हो रहा है तो हमको आवाज सुनाई दे रही है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो साउंड है ये हम कैसे सुन पाते हैं, हम इसको हियर कैसे कर पा रहे हैं, ये हम हियर करेंगे थ्रू आवर ईयर्स, हम अपनी कानों के मदद से इसको सुनेंगे। अब हम ये कानों का जो फेनोमेना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कान है, कान के आप बाहरी हिस्से से जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको छेद नजर आएगा, और ये जो छेद है ये क्या है, एक तरह का आप कह सकते हैं फनल है, या आप कह सकते हैं ये एक कैनाल है, और ये केनाल से जब भी कोई यहाँ पे आपने साउंड प्रोड्यूस किया, आपने म्यूजिक बजाया, तो ये साउंड ये केनाल के थ्रू अंदर जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक पतला सा चमड़ा होता है जो क्या कहलाता है, ये कहलाता है ईयर ड्रम, और ये जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, यही ईयर ड्रम्स फिर वेव्स की मदद से ब्रेन तक सिग्नल भेजते हैं कि साउंड आया है और हमको साउंड सुनाई देता है, और इसी तरह वी कैन हियर, यहाँ पे हम इसी तरीके से हम सुन पाते हैं। अब ये जो फेनोमेना है, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल से बता रहा है कि यहाँ पे हमने ये कैसे किया, ईयर ड्रम में हमको कैसे सुनाई दे रहा है।
यहाँ पे ये वाइब्रेशन कैसे आ रहा है, इस वाइब्रेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो ईयर ड्रम्स में वाइब्रेशन आ रहा है हम इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक डिब्बा हमने लिया है। इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे हमने एक डिब्बा लिया और ऊपर से हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसको रबर से ढक दिया है या हमने बलून से इसको कवर कर दिया है और ऊपर में हमने कुछ दाने रख दिए हैं और यहाँ पे हमने नीचे में छेद कर दिया है। जब हम यहाँ से फूकेंगे, जब यहाँ से एयर अंदर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे ये जो रबड़ है यहाँ पर आपको वाइब्रेशन नजर आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाइब्रेट करेगा और ये जो वाइब्रेशन होगा यही वाइब्रेशन क्या होगा, हमारे इंटरनल ईयर्स के थ्रू ब्रेन तक जाएगा और हम आवाज सुन पाएंगे। अब हम जो मेन डायग्राम होता है ईयर का उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये ईयर का मेन डायग्राम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये देखिए यही जो मैं फनल बता रहा था, यहाँ पे फनल से हमारा सिग्नल जाता है। यहाँ पे ईयर ड्रम एक शीट होती है, ठीक है, यहाँ पे मसल्स की तरह होता है ये यहाँ पे वाइब्रेट करेगा और इनर ईयर के थ्रू ये यहाँ पर ब्रेन तक हमारा क्या करेगा, सिग्नल को भेजेगा कि सुनिए देखिए कोई आवाज आई है। तो ये ईयर ड्रम का देखिए एक्चुअल डायग्राम होता है जहां पे आप वाइब्रेशन सुन पाते हैं और ये इनर ईयर्स तक ये सिग्नल जाता है और ये काफी कॉइल्ड होता है और आवाज प्यूरिफाई होके ये ब्रेन तक पहुंचती है। यहाँ पे ये चीज आप समझ चुके हैं ब्रेन में कैसे हमारी आवाज पहुंचती है, क्योंकि ब्रेन ही सारा काम हमारा ऑपरेट करता है। ये ब्रेन क्या करेगा, ये सिग्नल्स को हमको बताएगा कि देखो आवाज आ गई है, कितनी अच्छी आवाज है, ठीक है। अब ये जो वाइब्रेशन है ये क्या है, ये वाइब्रेशन हम कह रहे हैं कि जब कोई चीज शेक कर रहा है, मूव कर रहा है। यहां पे अगर हम बात करें कि ये जो हम ईयर ड्रम की बात कर रहे हैं, यहां पे जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है ये एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, एक सेकंड में ये कितना वाइब्रेट कर रहा है, यही क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ऑसिलेशन। क्या होता है, इसी को हम कहते हैं ऑसिलेशंस। क्लियर है, एक सेकंड में जो ईयर वाइब्रेट कर रहा है या कोई भी चीज, यहां पे हम ईयर की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज जो यहां पे मूव कर रही है एक सेकंड में उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑसिलेशन कहेंगे। और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो हमारा एक सेकंड में हो रहा है, क्लियर है, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको हम मेजर करते हैं, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। क्लियर है, और हम इसको लिखते हैं एच जेड, ये हमारा इसका यूनिट होता है, हम ऐसे ही इसको लिखते हैं। तो यहां पे देखिए आपके यहां पे बहुत अच्छा है, यहां पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक फ्रीक्वेंसी है वन हर्ट की, ये वन ऑसिलेशन ले रहा है वन सेकंड में, तो इसका क्या होगा, हम एक ऑसिलेशन को पर सेकंड क्या कहेंगे, वन हर्ट्ज कहेंगे। ऐसे ही कोई अगर ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है 20 टाइम्स एक सेकंड में तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी। आप ये समझ चुके हैं जितनी बार वो वाइब्रेट करेगा वही उसका क्या होगा बताइए, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये चीज आपको एकदम क्लियर हो चुकी है। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बता रहा है, एम्पलीट्यूड में आपको बता चुका हूं कि एम्पलीट्यूड वही चीज होती है जो मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है। अब ईयर ड्रम कितना ज्यादा मूव कर रहा है वो उसका क्या है, वो उसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम जो होगा अटर मैक्स जो इसका मूवमेंट होगा, ठीक है, या आप कह सकते हैं जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वही इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा।
मैक्सिमम जो इसका मूवमेंट है अपनी जगह से, ओरिजिनल पोजीशन से जो मैक्सिमम दूरी तक ईयर ड्रम गया है वो इसका एम्पलीट्यूड होता है। यहां पर लाउडनेस और पिच की अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल बता रहा है कि एक ग्लास रखा हुआ है, यहां पर आप बॉल से हिट कर रहे हैं, छोटी सी बॉल है तो वो आवाज करेगा और वो आवाज होगी बहुत हल्की होगी क्योंकि ये क्या है, ये यहां पर आपका कॉटन बॉल है या आप इसको कह सकते हैं ये फोम का है, तो आवाज आपको कम सुनाई देगी। और वहीं पे जब आप स्पून से स्ट्राइक करेंगे, जब मेटल मेटल से टकराएगा तो वहां पे लाउडनेस बहुत हाई होगी, लाउडनेस क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे जब आप कोई सॉफ्ट चीज लेते हैं, कॉटन बॉल है या कोई भी चीज है, जब आप इस पे टकराएंगे तो आवाज यहाँ पे लाउडनेस क्या होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे लाउड को मैं एल से लिख रहा हूं, ये लाउडनेस कम हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लाउडनेस है आप कितना लाउड आप चीज सुन सकते हैं, आप कितने तेज आप आवाज सुन सकते हैं, आपके कान कितने तेज आवाज सुन सकते हैं, ये पढ़ने की बात होती है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये जनरल अवेयरनेस है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। जब आप नॉर्मली ब्रीथ करते हैं, जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं वो कितने हर्ट्ज का होता है, वो 10 हर्ट्ज का होता है। ओके, जो आप नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे हैं वो 10 हर्ट्ज का होता है, और जब आप विसल बजा रहे हैं सॉफ्टली तो वो 30 हर्ट्ज का होता है, और जो नॉर्मल हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं ये 60 हर्ट्ज का है। जब आप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो 70 हर्ट्ज का है, और जो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है साउंड वो 80 हर्ट्ज का है, और 80 हर्ट्ज के बाद जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही पेनफुल होता है और हम उसको कहते हैं नॉइस। ठीक है, अभी हम नॉइस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, अभी आप घबराइए मत। यहां पे बात ये आ रही है कि जो ये एम्पलीट्यूड है, जो अभी मैं बात किया आपसे, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम आपको मैं बता रहा था ना एम्पलीट्यूड के बारे में, जो मैक्सिमम डिस्टेंस मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है। ओके, तो यहां पे हम लेते हैं रबड़ का एग्जांपल जो हम बॉक्स में ले रहे थे। यहां पे मान लीजिए अगर ये इतना मूव कर रहा है, मैक्सिमम इसका डिस्टेंस इतना मूव कर रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। और अगर हम इसके लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस क्या होगा, ये लाउडनेस इसका स्क्वायर होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है लाउडनेस। क्लियर है यहां पे, अगर हम लाउडनेस की बात करेंगे तो सीधे आप कह सकते हैं कि ये इसका स्क्वायर होता है। अगर यहां पर हम कहें कि जो एम्पलीट्यूड है ये 2 है तो लाउडनेस क्या होगा, लाउडनेस होगा 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है, इतना इंक्रीज होता है। और लाउडनेस की ये जो यूनिट होती है ये डेसिबल में होती है, किसमें होती है, डेसिबल में होती है, जिसको हम डी और बी लिखते हैं, जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मल साउंड जो हम सांस लेने में प्रोड्यूस करते हैं और फैक्ट्री के बारे में। और यहाँ पे लाउडनेस जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लाउडनेस डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, ये चीज आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। एम्पलीट्यूड अगर कम है, ये अगर लेस है, तो साउंड कैसा होगा, साउंड फीबल होगा, बहुत हल्का होगा। और ये अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो साउंड क्या होगा, वो लाउड होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड को अगर हम बढ़ा देंगे तो ये आप देखेंगे साउंड बहुत लाउड हो जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं लाउडनेस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे ही ये आप देखेंगे, ये अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे थ्रिलनेस की और पिच की।
अब ये श्रिलनेस ऑफ पिच क्या है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, किसमें डिपेंड डिटरमाइन होती है, श्रिलनेस या पिच पर। अब ये चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी को मैंने बताया जो जितनी बार वो ऑसिलेट करेगा, कोई भी चीज जो ऑसिलेट करता है वही उसका क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और जितना वो कस के वाइब्रेट करेगा वो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगी, उसकी पिच उतनी हाई होगी। क्लियर है? ऐसे ही मैंने बताया ना कि जो मेल है, मेल के कॉर्ड्स क्या है, लंबे हैं, तो वो मूव करने में ज्यादा टाइम लेंगे, तो वो लाउड तो होंगे लेकिन उनकी पिच क्या होगी, लो होगी। वहां पे आप पिच देखेंगे, वहां पे पिच लो हो जाएगी अगर हम मेल की बात करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या था, कॉर्ड्स बहुत लेंथी थे, लॉन्ग कॉर्ड्स थे। ठीक है, लॉन्ग कॉर्ड्स होने के कारण यहाँ पे जो साउंड था वो क्या था, लाउड था, लेकिन यहाँ पे पिच लो होगा, इनकी श्रिलनेस कम होगी। और वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल का क्या होगा, आप देख रहे थे कॉर्ड छोटा था तो वो वाइब्रेट ज्यादा करेगा, कम समय में ज्यादा वाइब्रेट कर देगा, तो उसकी पिच ज्यादा होगी और उनकी लाउडनेस क्या होगी, कम होगी। लाउडनेस कम होगी, पिच ज्यादा होगी, श्रिलनेस ज्यादा होगी। ऐसे ही हम ड्रम से अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो ड्रम है इसका एरिया ज्यादा है, ये काफी ज्यादा टाइम लेगा वाइब्रेट होने में, तो यहाँ पे इसका लाउडनेस ज्यादा होगा लेकिन इसका श्रिल जो होगा, श्रिलनेस कम होगा, एक समय में वो ज्यादा टाइम लेगा वेव बनाने में। देखिए, और यहीं पे अगर हम सीटी को लें, विसल को लें, तो ये क्या करेगा, कम समय में ज्यादा ये वेव्स बनाएगा। तो यहां पे आप समझ पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पे कम समय में ज्यादा यहां पे ऑसिलेशंस हो जा रही हैं, यही तो ऑसिलेशंस हैं, जो ये वेव आप देख पा रहे हैं, जो अप डाउन मूवमेंट्स है, इसी को हम ऑसिलेशन कहते हैं, ये ऑसिलेशन का डायग्राम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसी समय में यहाँ पे कम ऑसिलेशंस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े ऑसिलेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे छोटे ऑसिलेशंस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कंप्रेसिव ऑसिलेशन, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे आवाज चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ये वॉइसेस है, अब यहाँ पे हम अगर चिड़िया की बात करें तो चिड़िया का क्या होगा, चिड़िया का आप जानते हैं यहाँ पे उसका कॉर्ड छोटा होगा। अगर हम स्पेशली एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में मैंने बताया कि उसका मुंह छोटा होगा तो कॉर्ड भी छोटा होगा, तो उसका पिच हाई होगा। यहाँ पे अब आप आसानी से समझ पा रहे हैं, ऐसे लॉयन का क्या होगा, चेहरा बड़ा होगा और वहां पे पिच लो होगा, वहां पे रोरिंग साउंड बहुत तेज होगा। ये आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। क्वालिटी जो होगी बर्ड के साउंड की वो फीबल होगी, यहाँ पे लाउड होगी, जो यहाँ पे एनिमल्स की यहाँ पे बात हो रही है। ऐसे ही आप डिस्टिंग्विश करिएगा खुद में, अपनी मदर में। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम वैरायटी ऑफ साउंड्स सुन पाते हैं, ऑडिबल कौन सी आवाज है और कौन सी आवाज इनऑडिबल है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, अगर हम ह्यूमन की बात करें, क्योंकि हम ही को आवाज सुननी है, हम खुद ही से तो देखेंगे कि हम कौन सी आवाज सुन पा रहे हैं, तो आप ये चीज देखिए कि वो आवाज, देखिए जो ऑसिलेशन होगा, यहाँ पे ऑसिलेशन की बात मैंने की थी, ऑसिलेशन में मैंने बताया कि एक सेकंड में जितना वो मूवमेंट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट में, वो उसका ऑसिलेशन है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वो कितना मूव कर रहा है, उसका ऑसिलेशन है, एक सेकंड में वो कितना मूव कर रहा है। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जब 20 टाइम ऑसिलेट करे तो वो हमको ऑडिबल होगा, मतलब कि अगर हम कहें फ्रीक्वेंसी के उसमें कि हमको कितना आवाज सुनाई दे सकता है, 20 हर्ट्ज की आवाज हमको सुनाई देगी, और मैक्सिमम हम कितना सुन पाएंगे,
यहाँ पे हम 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज हम सुन सकते हैं, मतलब एक मिनट में, एक सेकंड में अगर 20,000 टाइम कोई चीज अगर वाइब्रेट कर रही है तो हम उसको सुन सकते हैं। और इसके ऊपर का, ये इन दोनों के अलावा जो इनके नीचे इससे लेस या इससे ऊपर की आवाज हम नहीं सुन पाते हैं, यहां पे हमको प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जिनको ये आवाज सुनाई देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं डॉग्स हैं, डॉग्स के डॉग्स ट्रेनर्स जो होते हैं, जो पुलिस में ट्रेनिंग देते हैं डॉग्स को, उनको उनके पास कुछ ऐसे सीटियां होती हैं, वेसल्स होती हैं जो कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होती है और वो सुन लेते हैं। ऐसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे आपने अल्ट्रासाउंड आपने कराया होगा अपने स्टमक का, कभी कोई प्रॉब्लम हुई होगी किसी की भी, तो वहां पे क्या होता है, ये मोर देन 20,000 हर्ट्ज वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है और वो आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन हम इसको ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ चीजों को आप देख पा रहे हैं जो आपके कानों के लिए हेल्पफुल नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपके हेल्थ के लिए हेल्पफुल है। यहाँ पे डॉग्स यहाँ पे ट्रेन किए जाएंगे और फिर वो आपको थेफ से बचाएंगे। यहीं पे देखिए, अभी हमने बात कर ली अच्छे साउंड की, जो हम सुन सकते हैं या हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें होती हैं जो हमको पसंद नहीं होती है, उनको हम कहते हैं नॉइज। ये साउंड कब नॉइज में बदलता है इसको हम समझेंगे। अभी अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कोई ट्रेनर बजा रहा है, जिसको बजाना आता है, वो बहुत अच्छे से बजा रहा है, आप उसको सुनना पसंद करेंगे, ये साउंड बहुत मेलोडियस होगा। लेकिन आप ट्रेन नहीं है और वो इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाने लगे तो क्या होगा, आसपास वाले कहेंगे भैया चुप हो जाओ नहीं तो मैं यहां से भाग जाऊंगा। इसका मतलब कि आप वहां पे मेलोडियस साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे आप उसी साउंड को आप क्या कर रहे हैं, नॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जब आप ट्रैफिक में जाएंगे, जब आप बाहर जाएंगे तो बसेस की आवाज या आप कारों की आवाज या आप बाइक की आवाज, जो बहुत हॉर्न मारते हैं ऐसे लोग, वो क्या होता है, वो आपको इरिटेट करता है, वो नॉइस होता है। और ऐसे जो नॉइस है इनको हमको रोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत तेज इनको आवाज करने लगे, बहुत ज्यादा अगर हम एनवायरनमेंट में ऐसी आवाज प्रोड्यूस करने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोल्यूशन क्रिएट कर दे। अभी तो आपने देखा था अब हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमने पोल्यूशन की क्या बात की थी, कि हमने एयर पोल्यूशन की बात की थी, वाटर पोल्यूशन की बात की थी और हमने कई तरह के पोल्यूशन की बात की थी। यहाँ पे साउंड पोल्यूशन की हम पहली बार बात कर रहे हैं, वो है नॉइस। नॉइस जब भी हम पटाखे जलाते हैं दीपावली में, तो हमको कहा जाता है कि इतने डेसिबल तक ही आप साउंड रखें, नहीं तो वो क्या करेगा, वो हार्म करेगा। कोई हार्ट का पेशेंट हो उसको हार्ट अटैक हो सकता है। कोई भी ऐसा साउंड जो अनवांटेड है, जो एक्सेस है, उसको हम क्या कहेंगे, वो कहलाएगा नॉइस। और ये जब बहुत ज्यादा हो जाए तो वो हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन। और ऐसे ही जो चीजें हैं जो हम अपने किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं या टेलीविजन को हम बहुत तेज सुन रहे हैं बॉक्स में लगाकर, वो क्या करेगा, नॉइस पोल्यूशन करेगा। हमको इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अनवांटेड साउंड जब प्रोड्यूस होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉइस पोल्यूशन कहेंगे। और ऐसे ही आप गैस में, वाटर में, आप अनवांटेड चीजें, जब गैस में हो रहा था तो अनवांटेड गैस जब हो रहे थे, वाटर में अनवांटेड पार्टिकल्स हो रहे थे, तो वो पोल्यूशन हो रहा था। तो यहाँ पे आप ये चीज बहुत अच्छे समझ गए हैं कि नॉइस पोल्यूशन क्या है। अब यहाँ पे बात आ रही है कि हम आखिर इसको कैसे मिनिमाइज करें, इसको हम लिमिट कैसे करें, मेजर कैसे करें, इसको लिमिट करने का हम कैसे सोचें। तो हम इसको मेजर करने के लिए, लेस करने के लिए हम क्या करते हैं,
साइलेंसिंग हम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइसेस जो है ये हमारे कहां पे इंस्टॉल किए जाते हैं, ये एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किए जाते हैं। ये हमारे आवाज को जो एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसका इंजन उसको वो रिड्यूस करता है। ऐसे ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं या हमारी इंडस्ट्रीज हैं और अप्लाइंसेस हैं, इनके लिए भी हमको इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने चाहिए जिससे कि नॉइस हमारा कम हो। या हम जब भी ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां हम चला रहे हैं वहां पे हम कम हॉर्न का इस्तेमाल करें तो हम इसको रोक सकते हैं। अगर हम ट्रैफिक रूल को प्रॉपरली यूज करेंगे तो क्या होगा, ये नॉइस कम होगा। और अगर हम इसको ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा अगर हम कर देंगे तो हमारे हियर इम्पेयरमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हियर इम्पेयरमेंट क्या है, ये क्या कर रहा है, ये या तो ज्यादा साउंड होने से जो हमारे कान खराब हो जाते हैं वो होता है, या तो फिर आप देखेंगे कि कुछ बच्चों का ये प्रॉब्लम बर्थ से ही होता है कि वो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, तो इनको भी साइन लैंग्वेज सीखना पड़ता है। यहाँ पे जब वो साइन लैंग्वेज सीखते हैं तो ये प्रॉब्लम इनकी दूर होती है। तो जो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट है ये आपका दूर हो सकता है अगर हम ज्यादा साउंड, अगर साउंड के कारण ज्यादा अगर हम यूज कर रहे हैं, लाउड साउंड यूज कर रहे हैं तो ये हो सकता है, मतलब हम नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्चुअली हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे अपने कान के लिए। तो यहाँ पे हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या तो हमको सर्जरी तक करानी पड़ेगी। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने जो नेचुरल हियरिंग थी वो हम जो लूज कर चुके हैं उसको हम फिर से दोबारा ला सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आपका कान खराब हो उससे पहले ही आप इसके लिए प्रिकॉशंस ले लें। और जो बर्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो उसको तो रोका नहीं जा सकता है, उसके लिए क्या करें, आप लोग साइन की ट्रेनिंग लें। जो साइन लैंग्वेज है उसकी अगर आप ट्रेनिंग लेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि जो हियरिंग है, जो हियरिंग का फिनोमिना है ह्यूमन में, यही हमको हेल्प करता है स्पीचेस में, बोलने के लिए यही हेल्प करता है। तो अगर आप ठीक से सुन नहीं पाएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि हमारा कान, या तो हमको साइन लैंग्वेज आए या तो हमारा कान ठीक हो। तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये सब प्रॉब्लम आपके ना आए। यहाँ पर हमने काफी चीजें सीखी हैं और पूरे चैप्टर को आप यहाँ पे समराइज करके यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि काफी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलती है जो आप मिस कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज मैं यहाँ पर मिस कर दिया, यहाँ पर है टाइम पीरियड। अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है वो देखिए जल्दी से मैं बता दे रहा हूं। जो ये ऑसिलेशन है, कोई भी चीज जो ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, ये जो ऑसिलेशंस है, ये जो एक सेकंड में हो रहा है, पर सेकंड जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये क्या है, ये इसका टाइम पीरियड बता रहा है। कोई भी ऑसिलेशन लेने में, जैसे हमने अभी 20 हर्ट्ज का एग्जांपल लिया था, ये 20 हर्ट्ज जो ऑसिलेशन है ये कितना टाइम लेगा होने में, यही इसका टाइम पीरियड होगा। क्लियर है, यही इसका टाइम पीरियड होता है। जो टाइम ऑसिलेशन लेने में लेता है, टोटल ऑसिलेशन जो लेने में टाइम ले रहा है कोई भी चीज ऑब्जेक्ट, वही उसका टाइम पीरियड होगा। यहाँ पे आपको ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया मैंने आपके लिए, अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बिलो, एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।